नमस्कार YouTube परिवार, हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास आप सभी के ड्रामा और जोम्बी सर्वनाश के प्रति उत्साही लोगों के लिए कुछ रोमांचक समाचार है। अब हम ऑल ऑफ अस डेथ सीजन 2 की और Netflix की गिग विग इवेंट के नवीनतम अपडेट के बारे में बात करने का समय आ गया है, तो आइए हम सीधे गोता लगाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे हमें पता चला है, अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, और रिन्यू की बात करें तो काफी पहले ही कर दिया गया है, लेकिन अभी पता नहीं चल पाया कि किस वजह से इतना समय लगा है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने में। लेकिन अभी पता चल गया है कि इसका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा। जैसे कि हमें पता चला है कि ये प्रोडक्शन अर्ली क्वार्टर में स्टार्ट होने वाला है 2024 के अंदर में। और अब बात करते हैं हम इसकी कास्ट मेंबर के अपडेट के बारे में। जैसे हमें पता चला है कास्ट मेंबर कौन कौन से इसमें रिटर्न करेंगे और न्यू कास्ट मेंबर ऐड होंगे उनके बारे में भी हमको जानने को मिलेगा। जैसे हमें पता चला है कि जितने भी कास्ट मेंबर रिटर्न करने वाले हैं उनके नाम मैं पिन कर दे रहा हूं, और जिन्हों भी आने वाले और कास्ट मेंबर है जो कि गिग विग इवेंट होने वाला है उसके दौरान में आपको मल्टीपल अपडेट इसके सुनने को मिलने वाले हैं, और नए नए कास्ट मेंबर जो भी ऐड होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको सुनने को मिलेगा। और ये इवेंट इसी साल में होने वाला है जो कि नवंबर के महीने में 6 से 12 तारीख तक चलने वाला है, और ये हर दिन अलग अलग स्लेट में चलने वाला है। और रेबल मून जो मूवी आने वाला है उसका अलग ही एक स्लेट रखा गया है, और अलग अलग एकदम उसमें काफी सारे न्यू शो एंड अदर शोज देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जितने भी सिलेक्ट हमें मिले हैं और पता चला है कि लेकिन उसमें नाम अभी कहीं देखने को नहीं मिला है, लेकिन देखते हैं इस इवेंट के दौरान में हमें काफी कुछ सुनने को मिल सकता है। उम्मीद तक कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इसके बारे में सुनने को मिलता है मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट अपडेट के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन की। तो यह भी हमें पता चला है कि पोस्ट प्रोडक्शन जो होने वाला है 2024 के अंत तक चलने वाला है, जो कि 2024 के अंत में आपको कंप्लीट होते हुए नजर आएगा संभावना है। जैसे कि हमें पता है ये 1 साल पूरा लगेगा इसके शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन, और जैसे कि हमें पता चला है कि इसके रिलीज में, जैसे रिपोर्ट के अनुसार मुझे पता चला है कि ये 2025 के विंडो में रिलीज होने वाला है संभावना है, क्योंकि आपको 2025 के विंडो में होगा अर्ली क्वार्टर में। लेकिन आप देखते हैं सीजन 1 को जब रिलीज होने का समय है, तो आपको भी उधर देखने को मिलता है 2022 के जनवरी मंथ में आपको ये रिलीज होते हुए देखने को मिला था। लेकिन इसी अकॉर्डिंग आप चले तो 2025 के अर्ली क्वार्टर में इसका संभावना है रिलीज होने का। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा।